नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और अचार खाना सबको अच्छा लगता है, और वो भी गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार। तो आज हम यही अचार बनाएंगे। उसके लिए मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिए। मैंने दो मूली लिए, तीन गाजर लिए, थोड़ी सी ये हरी मिर्च लिए, और एक मैंने अदरक का टुकड़ा लिया। इन सबको मैंने अच्छे से धो लिए, और उसके बाद मैंने इसको किचन टॉवल से सुखा भी लिया। अब हमने इनकी कटिंग करनी है, तो काट लेते हैं सभी सब्जियों को। फ्रेंड्स, मैंने सब्जियों को काट लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से पीसेस में कट किए, गाजर को भी ऐसे ही काटा है, और इसी तरह से मैंने मूली को काटा है, और अदरक को हमने छोटे छोटे इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिए, और एक मिर्च को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से काट लिया। फ्रेंड्स, ये जो अचार है ये इंस्टेंट अचार है, इसे बनाने में मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं, और बनने के बाद आप इसे तुरंत सर्व भी कर सकते हैं। तो चलिए अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी, और अब मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राई लेंगे और इसे हम रोस्ट करेंगे। हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है मसालों को। मैंने 2 टेबलस्पून ये वाली राई ली है, काली वाली, और 1 टेबलस्पून फ्रेंड्स मैं पीली वाली राई यूज करूंगी, या आप इसे सरसों भी कह सकते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर ये राई डाल दूंगी, और दोनों को ही हम रोस्ट कर लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक। आप चाहें तो एक ही तरह की राई या सरसों जो आप बोलते हैं एक ही तरह की भी यूज कर सकते हैं। मैंने टोटल 3 टेबलस्पून राई के यूज किए। जब आपको हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिया। 1 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया, 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिए, 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिए, और लगभग 15 दाने मैंने काली मिर्च के लिए। अब मैं इन सब चीज़ों को भी इसके अंदर डाल दूंगी, इनको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। हमने मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि इनमें से खुशबू नहीं आने लग जाती और इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, हम मसालों को लगातार चलाते हुए भूनेंगे, और दूसरा हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। मसालों से खुशबू आने लगी है, और आप देख सकते हैं इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, और हम इनको ठंडा होने पर इनको दरदरा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आगे का स्टेप करेंगे। मैंने फिर से वही पैन लिया, और पैन के नीचे मैंने गैस को ऑन कर दिया। अब मैं इसके अंदर सरसों का तेल डालूंगी। ये मैं आधा कप के करीब सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप वैसे तो जो अचार हम बनाते हैं वो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप कोई और कुकिंग ऑयल खाते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को हम गर्म होने देंगे, और इतना गर्म होने देंगे कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी, और हल्का से इसको हम ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर लगभग 1/4 टीस्पून के करीब हींग डाल दूंगी। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस टाइम पर इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपनी सब्जियां डाल देंगे। पहले मैंने हरी मिर्च और अदरक डाली थी, अब मैं इसके अंदर गाजर और मूली डाल रही हूँ। हम सब चीज़ों को इकट्ठा ही डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हमने क्या डालना है। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे, ताकि तेल सब सब्जियों पे तेल अच्छे से लग जाए। फ्लेम हमने लो ही रखनी है, सब चीज़ों पर तेल की कोटिंग अच्छे से हो गई है। तो अब हम इसके अंदर और जो मसाले डालने हैं वो ऐड कर लेते हैं। फिर सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, लगभग 2 टेबलस्पून के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने तीखे के लिए मैंने इसके अंदर मिर्च डाली है, वो काफी तीखी है। आप चाहें तो इस टाइम पर इसके अंदर लगभग 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं ऐड करूंगी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी मिर्च जो हम डालते हैं वो कलर के लिए डालते हैं, वो तीखी नहीं होती है। आप देख सकते हैं कश्मीरी मिर्च डालते हैं इसका कितना सुंदर कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब अजवाइन डालूंगी।
और एक टीस्पून ही मैं इसके अंदर कलौंजी ऐड करूंगी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चला लेंगे। अब मैं इसके अंदर जो हमने मसाला भूना था उसे मैंने दरदरा इस तरह से पीस लिया है, आप देख सकते हैं, उसे भी अब मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं इसके अंदर विनेगर डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब। आप चाहे तो इसके अंदर 2 टीस्पून भरकर आमचूर के डाल सकते हैं खटाई के लिए। मैं इसके अंदर विनेगर डालूंगी। और इसे भी हम चला लेंगे। बस अब हम 1 से 2 मिनट तक इसको और भून लेंगे और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने सब्जियों को गलाना नहीं होता, इसमें कच्ची कच्ची थोड़ा सा क्रंच होना चाहिए सब्जियों में, तभी यह अचार काफी टेस्टी लगता है। लगभग 2 मिनट हो चुकी है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार रेडी है बनकर सर्व होने के लिए। फ्रेंड्स, जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। आप इसे फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए रखकर यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।